भगवान सदा दीर्घ आयु देता रहे और समाज का सम्मान मिलता रहे। आज कलियुग के मित्र के मित्र के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे। राजन भैया बदल गया। सांचने की कदर ना है झूठन के सत्कार, काल को न लेके देवे मातन है होशियार, सीधे साधे भोले भाले उल्टे लोग मेहमान, सांच को बतावे चोर चोर बने साहूकार। मित्र की तो परिभाषा ही अलग है भाइयों, और बगैर मतलब के कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता है, सब अपने अपने मतलब में। सूरसेन ने जवाब दिया, भैया तो अब क्या करें। उग्रसेन बोले, तुम्हारी किस्मत में जितना दुख था उतना तुमने उठा लिया, अब इसे हमें लाओ, मैं इसे मथुरा ले जाऊंगा। आज कंस को बचपन की उम्र में महाराज उग्रसेन बटेश्वर से मथुरा के लिए जब आगे बढ़े। ए भाइयों, चले के बेटा को राजा और मथुरा चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। मथुरा में पहुंच गए। एक ही दिन में कंस ने अपने जैसे 18 साथी और तैयार करे, क्योंकि विचार विचारों वालों से मिलते हैं। एक टोली बनाई, अब जिधर चला जाए उधर मैदान साफ। एक दिन की बात, ये भोजराज कंस अपने साथियों को लेकर के मथुरा के वनों में खड़ा है। बरसाने और नंदगांव की लड़कियां अपने सर पे दूध दही की मटकी धारण करके मथुरा में बेचने आई गरीबों की बालाएं। कंस ने देखा तो अंगुली हिला करके इशारा किया, क्या कहा, अरे अंगुली हिलाई के कई कंस ने, कौन कहां से आई, इतनो हमें बताए जई हो सब कुआरी हो या प्याई।
इशारा किया और ये कहा जवाब दिया भैया तीन बहने अब विवाहता है और दो का विवाह हो गया। कहां शादी हुई?